मैं अंकित, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने सभी उन भाइयों के लिए जो यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में हैं और यहाँ पर बिना पेपर्स के रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पर मेरा केवल वीडियो बनाने का एक ही वजह है, एक ही कारण है कि मैं उन सभी भाइयों को हेल्प कर सकूं एक इन्फॉर्मेशन के जरिए, किसी जानकारी के जरिए कि गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी हालात सुधारने के लिए क्या क्या चीजें कर रही हैं। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस बनाई थी स्पेन को लेकर, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर, गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मेरे उन इमिग्रांतेस भाइयों के लिए है जो कि इटली में रह रहे हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स के वहां पर अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज, काफी अच्छी खबर होगी आप लोगों के लिए, आपको बड़ा सा रिलीफ मिलेगा यह सुनकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो खबर आ रही है वो आ रही है इटली के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। दोस्तों, आपको बता दूं कि इटली में इस समय खेती में बहुत ज्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज आ रही है। वहां पर इस टाइम काम करने वाले चाहिए जो कि वहां पर हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई का काम कर सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डिपार्टमेंट में। दोस्तों, आपको बता दूं कि हर साल इटली में 4 लाख वर्कर्स ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से आते हैं जो कि सीजनल वर्कर के तौर पर वहां पर काम करते हैं, लेकिन इस बार रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से, बॉर्डर क्लोज होने की वजह से वो वर्कर्स वहां पर नहीं आ पाए हैं, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है उन शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स को कैसे पूरा करे। तो इसी को लेते हुए वहां की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जी हाँ दोस्तों, टेरेसा बेलानोवा जो वहां की एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने प्रपोज किया है कि इस मौके को हम लोग एनकैश कर सकते हैं, हम लोग इस जो सिचुएशन है उसको संभाल सकते हैं। किनके थ्रू? इलीगल इमिग्रांटेस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बेलानोवा ने अपने प्रपोजल में कहा है कि हमारे यहां लगभग 6 लाख इलीगल इमिग्रांटेस हैं, जिनको अगर हम रेगुलराइज किया जा सके तो हम इस खेती की जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम इससे निजात पा सकते हैं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेलानोवा ने कहा है कि हमारे पास हर साल 4 लाख वर्कर्स ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से आते हैं जो कि इस बार हमें अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे को मुहैया नहीं हो पाए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें यहां पर जितनी जल्दी हो सके अपने 6 लाख इरेगुलर इमिग्रांटेस को रेगुलराइज किया जाए ताकि वो हमें खेती के और इंपॉर्टेंट जो बाकी सेक्टर्स है वहां पर हेल्प कर सके और हमारी जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट कर सके। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रपोजल है मेरे जो इटली में रहने वाले भाई इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों के लिए, और जहां तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत वहां पर अपोजिशन होगा क्योंकि हर जगह कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है, कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि अपोजिशन करती है, जैसे यहाँ स्पेन में भी है, आपको पता होगा पार्टी है यहाँ पे वॉक्स जो कि हमेशा इमिग्रांटियस के अगेंस्ट बोलती है। इसी तरीके से इटली में भी कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि कोशिश करेंगी इस चीज को रोकने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 लाख वर्कफोर्स जो कि बाहर से इटली मंगवाता है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अगर वो यहां पर रेगुलराइज नहीं करते हैं इमिग्रांटेस को तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा जो कि इटली की गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहेगी, वो भी ऐसे वक्त पर जब वहां की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सबको जल्दी से जल्दी वहां पर रेगुलराइज किया जाए, और मैं आपको इस न्यूज का जो पूरा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लीज दोस्तों, मेरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वीडियो बनाने का, मेरा केवल एक ही इंटरेस्ट है कि मैं अपने उन सभी भाइयों को जो इलीगल तरीके से यहां पर रह रहे हैं, बिना पेपर्स के रह रहे हैं, उनको कोई इंफॉर्मेशन मिल सके ताकि उनको पता रहे कि सिस्टम उनके लिए क्या सोच रहा है और क्या करने जा रहा है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूं। दोस्तों, माफ कीजिएगा अगर कुछ पसंद ना आया हो, और इसी के साथ धन्यवाद।